सामने कंधों के समानांतर हाथ खुले हुए। अब इसको बोलना है, हाथ तो ऐसे हैं, तो अब कंधों के समानांतर हाथ खुले हुए, हाथों के हथेलियों का रुख एक दूसरे के सामने, हाथों में छाती जितना फासला, अंतर, डिस्टेंस। तो आपको हाथों में छाती जितना अंतर। अब ये अंतर माने डिफरेंस नहीं है, ये हाथों में डिस्टेंस है। ये अब डिफरेंस को भी अंतर बोल देते हैं और डिस्टेंस को भी अंतर बोल देते हैं, तो आपको ठीक पता होना चाहिए। शब्दों का प्रयोग भी आना चाहिए। भाषा यदि किसी की परिष्कृत नहीं है तो अच्छा योगी नहीं हो सकता। हाथ सामने रखे भी नीचे क्यों लेके आगे भैया, और छाती जितना हाथों में फासला, दाहिनी और हाथों को घुमाएंगे, कंधों के समानांतर हाथ घूमेंगे और हाथों को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे जितना अधिकतम ले जा सके। थोड़ी देर इस स्थिति में ठहरेंगे, फिर दोनों हाथ सामने आ जाएंगे। एक स्थिति में 10 सेकंड से लेकर के धीरे धीरे 20, 30 सेकंड, एक मिनट तक रोका जाता है। ये 1 से 2 मिनट का एक आसन का अभ्यास का कालखंड होता है। श्वास अंदर भरेंगे, हाथों को बाईं ओर लेकर के जाएंगे, कंधों के समानांतर हाथ, हथेलियों को रोक आमने सामने ही रहेगा, बाईं ओर घूम करके पीछे की ओर देखेंगे, पंजों का रुख, पैर के पंजों का रुख सामने की ओर होगा, पैर के पंजों को नहीं घुमाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ सामने और सामने से नीचे की ओर। यह हो गया खटचक्रासन। खटचक्रासन का दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ पार्श्व भागों से लेकर के ऊपर उठाएंगे, कंधों के समानांतर लेकर के आएंगे। अब दाहिने हाथ को सामने से घुमाएंगे, दाहिना हाथ कंधे के समानांतर घूमता हुआ बाएं कंधे के ऊपर आ जाएगा, बाएं हाथ पीछे से लेकर के दाहिने पैर की जंघा के ऊपर रख देंगे, हथेली बाहर की ओर। अब ऐसे ऐसे नहीं रखना, अंदर की ओर हथेली का रुख नहीं, हथेली का रुख बाहर की ओर, पैरों में करीब 1.25 फीट का फासला, बाएं हाथ के कंधे से पीछे की ओर देखें, दाहिने पैर की एड़ी, गर्दन को घुमाकर बाएं कंधे के ऊपर से दाहिने पैर की एड़ी को देखें, दोनों हाथ फिर पार्श्व भागों में ले आएंगे, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, दोनों हाथ कंधों के बराबर। अब बाएं हाथ दाहिने कंधे के ऊपर लेकर के आएंगे, कंधे के समानांतर हाथ घूमता हुआ दाहिने कंधे के ऊपर आ गया, दाहिना हाथ पीछे से घुमा करके बाएं पैर की जंघा के ऊपर लेकर के आए, हथेली को रुको बाहर की ओर ऊपर की ओर, दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देख, गर्दन को घुमाते हुए थोड़ी देर इस स्थिति में ठहरे। दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आते हैं, ये एक बार हुआ अभ्यास। जब शंख प्रक्षालन कराते हैं तब ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और शंखासन, इन 5 आसनों का विशेष रूप से अभ्यास करवाया जाता है। तो ये आपको खड़े होकर के कुछ मुख्य अभ्यास बताए। अब जैसे सूर्य नमस्कार कराते हैं तो उस समय भी ऐसी विधि बतानी पड़ेगी आपको। तो करते समय हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर की स्थिति का संकेत करना होगा आपको, कि शरीर की जैसी स्थिति बन रही है वैसा आप संकेत भी कर पाए। बैठ जाएं, कुछ नए आसनों का अभ्यास करवा देते हैं, फिर रोगानुसार आसनों का अभ्यास होगा। बैठने के लिए
पैर सीधे होते हैं, इसको बोलते हैं दंडासन। क्या बोलते हैं इसको? फिर अब जैसे आसनों का अभ्यास करवाया जाता है, तो जो अभ्यस्त है वो तो कोई भी आसन करे, कोई अभ्यस्त है तो वो आसन कैसे करेगा? तो उनके आसन करने का तरीका होता है, हाथ सामने लेकर के हर एक आसन की अलग अलग तरह से स्थिति बनाई जाती है, प्रतियोगात्मक आसन होते हैं। रोगियों को सामूहिक रूप से अभ्यास कराने के लिए, अब जैसे बच्चे होंगे तो कैसे बोलेंगे, पैरों को मोड़ें और ऐसे पैर मोड़ के वो फिर ऐसे बैठेंगे। अब बच्चों के लिए ठीक है ये, लेकिन सबके लिए क्या है, सबके लिए उपयुक्त ये नहीं है। सबके लिए तो बोलेंगे आप दाहिने पैर को मोड़िए, एड़िया बाहर की ओर पंजा अंदर की ओर, ऐसे ही बाएं पैर को मोड़िए, एड़ी बाहर की ओर पंजा अंदर की ओर, वज्रासन में बैठ जाएं, ये ऐसे। तो आसन का जो तरीका होता है, आसन की जो विधि होती है, आसन की विधि का संकेत ठीक प्रकार से करें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मेरुदंड सीधा सहज, और हाथ कोहनियों से थोड़े से झुके हुए, सहज अवस्था में मेरुदंड सीधा, यह वज्रासन हो गया। अब हाथ ऐसे भी रख करके कोई बैठ सकता है, लेकिन इसमें तनाव रहेगा, इसलिए ये स्थिति ठीक है। अब आसनों की विधि को लेकर के थोड़ा थोड़ा भेद है। अब इसमें एक रूपता के लिए जो सर्वाधिक प्रचलित है विधि, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। इसके पीछे यही प्रमाण है, शास्त्र में सामान्य संकेत हैं आसनों के, उसमें अब हाथों की कोई स्थिति ऐसे बोलेगा, कोई ऐसे सहज अवस्था में बोलेगा, कोई कहेगा ऐसे हाथ रहने चाहिए, कोई कहेगा ऐसे हाथ रहने चाहिए। तो जो उपयुक्त लगती है, जो योग की विधि वैज्ञानिक हो, साइंटिफिक, इफेक्टिव, सेक्युलर, प्रैक्टिकल हो, उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। वैज्ञानिक मैंने इसलिए बोला कि उसकी पीछे यदि विज्ञान नहीं है, मात्र परंपरा का हम निर्वहन नहीं कर सकते। साइंटिफिक होगी तो वो विधि बेनिफिशियल भी होगी, फिर वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। कुछ ऐसे आसन जो सबके लिए उपयुक्त नहीं है, तो सबके लिए उनका संकेत होता ही नहीं है, व्यवहारिक धरातल पर हम उसको अभ्यास में ला सकें। और उस आसन को करते समय कोई देवी देवताओं का स्मरण, कोई विशेष मंत्र जाप आदि का विधान करता है, तो वो स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि योग तो साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है, सेक्युलर है। कोई आप किसी को जोर जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, आपको ये आसन करते समय इस नाम का जाप करना पड़ेगा, ये आसन करते समय इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो इस तरह से योग की परंपरा में कुछ लोगों ने अपनी अपनी मान्यताओं को, अवधारणाओं को, अपने अपने सिद्धांतों को उसके साथ घुसा दिया है, वो ठीक नहीं है। ये आसन करेंगे तो ये जप करना पड़ेगा, ये आसन करेंगे तो ये मंत्र बोलना पड़ेगा। तो मैं इस संदर्भ में कहा करता हूँ, योग की तो मौन है भाषा, इसलिए आप यदि कोई मंत्र आदि का जप नहीं करते आसनों के समय, खास करके ओम में शब्द का प्रयोग मात्र ओंकार का है, और ओंकार भी एक डिवाइन वॉइस है, उसका भी विशेष अवस्थाओं में ही जप किया जाता है। हर समय तो आंतरिक रूप से तो हम जिसको खुदा, अल्लाह, गॉड, ऑलमाइटी, भगवान, अलग अलग नाम जिसको हम देते हैं, तो वह तो भगवान का एकत्व है, उसमें तो साधक सदा स्थिर रहता ही है। तत्र स्थित यत्न अभ्यास है, भगवान के साथ एक रूपता तो साधक ही होती है। मेरुदंड सीधा रहे, खैर तो ये आसन वज्रासन हुआ। अब इसमें पीछे की ओर झुकेंगे, एड़ियों का रुख बाहर है, पंजे अंदर है, ये तरीका है। अब पंजों को खोल लेंगे थोड़ा और पीछे की ओर लेट जाएंगे, हाथों से संबल लेते हुए, हाथों से इसका सहारा लेते हुए पीछे की ओर लेट जाएंगे। और प्रयत्न करें कि आपकी कमर जमीन पर टिक जाए, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर,
दोनों घुटने पैरों के सामने से मिले हुए, जिनके पैरों में ज़्यादा खिंचाव हो रहा है तो पैरों में लगभग 4-6 इंच का घुटनों में फासला भी कर सकते हैं। आदर्श स्थिति में कोशिश करें घुटने पास में। वापस आ जाएंगे, हाथों की कोहनियों का संबल लेते हुए, सहारा लेते हुए उठ जाएंगे। ऐसे ये हो गया सुप्त वज्रासन। पेट के लिए बहुत अच्छा है, सारी नस नाड़ियां खींच जाती हैं जब ऐसे लेटते हैं। तो पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन, आगे झुक करके मंडूकासन और शशकासन तो आप करते ही हैं। अब उसका भी तरीका होता है, कैसे वज्रासन में बैठ जाएं, एड़ियां बाहर की ओर, वज्रासन में पंजे अंदर की ओर, अंगूठे के पास में अंगूठा, ये स्थिति होती है। दोनों घुटने सामने से मिले हुए, अब हाथों को उठाएंगे, अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियों को बंद कर लेंगे, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगाएंगे और मुट्ठियों को पीछे से ऐसे मिलाएंगे। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे और श्वास बाहर ही रोक करके रखेंगे, पेट को अंदर दबाएंगे। आगे झुक करके छाती घुटनों से लग जाएगी, गर्दन सीधी रहेगी। इस स्थिति में करीब आधा मिनट रुकेंगे। वापस आएंगे धीरे धीरे श्वास लेते हुए। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकने के लिए बोला था, आगे रुकने के लिए बोला था, कुछ तो बीच में ही वापस आ गए, ये तो ठीक नहीं है। श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर दबाना, ये एक विधि हुई। अब दूसरी विधि, बाएं हाथ के थैले नाभि के ऊपर रखेंगे, दायां हाथ बाएं हाथ के थैले के ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर रखेंगे, श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर दबाएंगे, आगे झुक जाएंगे। आगे झुक करके छाती घुटनों से लगी हुई, गर्दन सीधी, थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे। अब वापस आएंगे। तो विधि पूर्वक आपको आसनों का अभ्यास करवाना है और आपके बोलने का जो तरीका है वो भी सही होना चाहिए। दोनों हाथ वापस वज्रासन की स्थिति में ले आएंगे। ये आसन तो क्योंकि रोज कर रहे थे, कुछ नए आसनों का अभ्यास करवा रहे हैं आज आपसे। पैरों को सामने खोल लेंगे। अब कैसे बोलेंगे? अब एक तो ये तरीका है, पैरों को सामने खोल लीजिए, अब दाएं पैर उठाइए, बाएं पैर पर रखिए, बाएं पैर उठाइए, दाएं पैर पर रखिए। अब ये तो क्या अच्छा नहीं तरीका। तो कैसे बोलेंगे? पैरों को सामने खोल लेंगे, दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं पैर पर दाहिना पैर रख देंगे, बाएं पैर की जगह पर दाहिना पैर रखेंगे, बाएं पैर उठाएंगे, उसको दाहिने पैर की जगह पर रख देंगे, बाएं हाथ के थैले को नाभि के ऊपर रखेंगे, दाहिने हाथ के थैले को उसके ऊपर रखेंगे, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे और
छोड़ी को भूमि से स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे, मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास बाहर छोड़कर के पेट को पूरा अंदर दबाएं और आगे झुककर के ठोड़ी को भूमि से स्पर्श करें। फिर वापस आएंगे धीरे धीरे, फिर से इसे एक बार दोहराएंगे। पेट के लिए, मधुमेह के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है ये। फिर वापस आएंगे धीरे धीरे सांस भरते हुए। अब आपने कहा कि आगे झुकेंगे, पेट को पूरा अंदर दबाएंगे। अब जिसका पेट ही थोड़ा मोटा है तो जितना हो सकेगा उतना ही तो दबा पाएंगे। अब जैसे ये तो मैंने आपको योग मुद्रासन मधुमेह के लिए बताया, पश्चिमोत्तानासन में दंडासन में बैठ जाएं। अब दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर उठाएं, श्वास बाहर छोड़ करके हाथों को आगे की ओर से झुकाएं। आगे पहली अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लें, कोशिश करें कोहनी को नीचे जमीन पर टिकाएं और माथा घुटनों से लगाएं। अब जब ऐसे नहीं लगता, अब कोहनी ऐसे नहीं टिकती, तो फिर ऊपर बैठ जाते थे लोग, यहां यहां बैठ करके फिर उसको आगे झुकाते थे। ये तरीके ठीक नहीं है। खैर, अब तरीका ये हुआ ऐसे गए और ऐसे ही वापस आए। अब वैसे क्या हुआ, ऐसे गए और फिर ऐसे आ गए। ऐसे थोड़ा कुछ अभ्यासों को एक रूपता के साथ किया जाता है ऐसे। तो ये जो मैंने आपको अभ्यास बताए उसके पीछे एक हेतु था आपको समझाने का कि आप अभ्यास जब कराएं तो उसमें निपुणता के साथ कराएं, स्किल के साथ प्रैक्टिस कराएं। दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं पैर की जंघा पर पंजे को रख देंगे, बाएं पैर उठाएंगे उसको दाहिने पैर की जंघा पर रखेंगे। मत्स्यासन का अभ्यास करने के लिए पद्मासन में बैठकर पीछे झुक जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, अब दोनों हाथ ही कंधों के नीचे रख देंगे और गर्दन मोड़ लेंगे। गर्दन पूरी मुड़ेगी और दाहिने हाथ से बाएं पैर का, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे। कोहनियां जमीन पर टिकी हुई, घुटने जमीन पर, श्वास की गति सामान्य। सामान्य अवस्था में वापस लौट आएंगे।
तो ये मत्स्यासन हुआ। क्या नाम है इसका? अब कुछ लोग उच्चारण करना नहीं आता तो मत्स्यासन ऐसा बोलते हैं। मत्स्यासन नहीं होता है, क्या होता है? मत्स्यासन। पैर सीधे कर देंगे, अब करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन। तो ऐसे बोलेंगे, अब अर्धमत्स्येन्द्रासन का अभ्यास करेंगे। अब डायबिटीज के लिए तो उपयुक्त है ये, डायबिटीज के अभ्यासों में भी कराते हैं। अभी मैं आपको किस तरह से किया जाता है योग को, उसकी विधि का संकेत कैसे करना चाहिए, इंडिविजुअल रूप से चाहे आप एक व्यक्ति को सिखा रहे हैं या 10-20 व्यक्तियों को सिखा रहे हैं, आपकी भाषा परिष्कृत होनी चाहिए। प्राणायाम करा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, तो भाषा में गंभीरता, उसमें सहजता, करुणा, दिव्यता, प्रेम, और आसनों का भी निर्देश दे रहे हैं तो आसनों के निर्देश के समय भी आपकी भाषा में एक गंभीरता और मध्यम स्वर से आप बोलें। अत्यंत धीमे स्वर से भी नहीं, अत्यंत तीव्र स्वर से भी नहीं। बहुत धीमी आवाज़ से बोलते हैं तो फिर वो उपयुक्त नहीं होता है। अत्यंत तीव्र ध्वनि से बोलते हैं तो वो दूसरों के कानों को अखरती है। हाँ, व्यायाम कराते समय बलपूर्वक बोलते हैं तो, क्योंकि उसमें उत्साह बढ़ता है और शरीर को गति भी देनी होती है। तो प्राणायाम ध्यान के समय आपका स्वर धीमा होता है, आसनों के समय स्वर मध्यम होता है, व्यायाम के समय तीव्र स्वर होता है। ऐसे ध्यान पूर्वक योग का अभ्यास किया और करवाया जाता है। बाएं पैर को सामने से मोड़ लेंगे, दाहिने पैर की कुल्ले के पास में उस पैर को रखा, दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं पैर घुटने के बाहर की ओर रख देंगे। जिनका शरीर हल्का हो वे बाएं पैर के एड़ी पर, पंजे पर बैठ भी सकते हैं। अब बाएं हाथ दाहिने पैर की जंघा और छाती के बीच से डालेंगे और बाएं हाथ से दाहिने पैर की पंजे को पकड़ लेंगे, दाहिना हाथ घुमाएंगे, पीछे लेकर के जाएंगे और दाहिने हाथ से दाहिने पैर की जंघा को छूने का प्रयत्न करेंगे और दाहिने कंधे से पीछे की ओर देखते हैं। वापस आ जाएंगे, पैरों को सीधा कर देंगे, दाहिने पैर को मोड़ लेंगे घुटने से, जितना अधिकतम मोड़ सकते हैं मोड़ करके रखें, इतना भी बोले तो काम चलेगा। दाहिने पैर को उठाएंगे, बाएं पैर को उठाएंगे, दाहिने पैर के जंघा के बाहर ला करके रख देंगे। अब कोई उठा करके ऐसे भी रख सकता है, कोई उठा करके ऐसे भी रख सकता है, वो तो इसमें ऐसा नहीं कि ऐसे क्यों रखा, तो जैसे रख रहे हैं वैसे फिर बताना पड़ेगा आपको बोलते समय। दाहिना हाथ बाएं पैर की जंघा और छाती के बीच से लेंगे और दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ लेंगे, बाएं ओर से पूरे घूम जाएंगे, कोशिश करेंगे बाएं हाथ से दाहिने पैर की जंघा को छोड़ें। बाएं कंधे से पीछे की ओर देखें, ज़्यादातर लोगों से नहीं हो पाता है इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। जिनका शरीर हल्का होता है वे आसानी से कर पाते हैं। तो ये क्या हुआ? अर्धमत्स्येन्द्रासन। अब कुछ कम पढ़े लिखे या जिनको उच्चारण ठीक से नहीं करना आता, संस्कृत का बोध नहीं है, वो अर्धमत्स्येन्द्रासन ऐसे बोलते हैं इसको भी। ऐसे ठीक से बोलना चाहिए, आसनों के नाम भी हमें ठीक पता होना चाहिए।
वैसे मैं आसनों का नाम आसनों की तरह बोलने का ही समर्थक हूँ, चाहे हिंदी में बोलते हो, अंग्रेजी में, या दुनिया की किसी भी भाषा में हम बोलें, लेकिन वो समझाने की दृष्टि से उसका ट्रांसलेशन किया जा सकता है। जो संज्ञाएं होती हैं उनका कभी ट्रांसलेशन नहीं होता है, लेकिन हमारे जिन योगाचार्यों को संस्कृत का, संस्कृति का, मूल परंपराओं का गौरव नहीं था, उन्होंने सभी आसनों को उसी तरह से ट्रांसलेशन कर दिया। वो समझाने की दृष्टि से उपयुक्त है, लेकिन आसनों का प्रयोग आसनों के रूप में ही करना चाहिए, अपनी मूल भाषा के प्रति गौरव भी होना चाहिए। ये एक भाषा की दृष्टि से बड़ा बिंदु आपके बीच में रखा। खैर, अब आपको रोगानुसार जो आसनों का अभ्यास है उस तरफ थोड़ा संकेत करेंगे। इसमें पेट के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, मोटापा के लिए, पांच अवस्थाओं में आसन विशेष रूप से लाभ करते हैं, बाकी 99% लाभ प्राणायाम से ही हो जाता है। देखिए, ये एक सैद्धांतिक बात है गहरी। थोड़ी देर आप कपालभाति का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि आज अभ्यास कम करवाया आपको हमने, विधि के ऊपर ज़्यादा बल था आज हमारा। सिद्धासन, सुखासन, ये जिसमें अभी मैं बैठा हूँ ये सुखासन है, ऐसे बैठना ये सुखासन, दाहिने पैर को बाएं, बाएं को दाहिने पर रखना, ये पद्मासन। अब कोई कहे कि दाहिने से ही क्यों प्रारंभ करते हैं, ये परंपरा है। अब बाएं से बैठते तो आप कहते बाएं से क्यों करते हैं, ये भी एक परंपरा है। कोई यदि ऐसा होता तो एक परंपरा चल पड़ती है, फिर वैसे ही अभ्यास हो जाते हैं, तो ऐसे बैठते रहे, दाहिने को बाएं, बाएं को दाहिने पर रख दिया। तो आसनों को दाहिनी ओर से ही प्रारंभ करने की एक सामान्य परंपरा है, कुछ लोग बाएं से भी प्रारंभ कराते हैं, तब उसमें कोई बैर विरोध नहीं करना चाहिए ऐसी बातों का। हाँ, जब एक साथ सब करेंगे तो फिर एक ही जैसा करेंगे, दाएं से करवा रहे प्रारंभ तो दाएं से ही करेंगे सब। तो ऐसी सिद्धासन, पद्मासन अथवा सुखासन में बैठ करके कंफर्टेबल पॉज में, जिसमें हम स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक बैठ सके, स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम, फिर कई प्रश्न प्रतिप्रश्न आपके भीतर पैदा होते हैं, उसका भी हम समाधान करेंगे कि ऐसा ही क्यों। यदि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है योग के प्रति, जीवन के प्रति, जीवन की विभिन्न पहलुओं के प्रति, तो आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए, जिज्ञासाएँ उत्पन्न होनी चाहिए, और उन प्रश्नों का जब समाधान होता है तो आपके जीवन में स्पष्टता आती है, कन्फ्यूजन्स खत्म होते हैं, और ये आवश्यक है जीवन के लिए। आप पद्मासन में, सुखासन में या सिद्धासन में बैठ करके थोड़ी देर प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। आपको कुछ मूलभूत संकेत कर रहे हैं सिद्धांत के रूप में। योग में 99% जो लाभ है वो प्राणायाम से ही हो जाता है। योग में 99% लाभ प्राणायाम और ध्यान से ही हो जाता है, या हम दूसरे शब्दों में बोलें तो योग में 99% लाभ ध्यान पूर्वक प्राणायाम करने से ही हो जाता है।